कृष्णा। देखो गौरा चांदे रखत भाती, शिव सुख नारद ध्यान न पाओ भयत। सो श्री गौरचंद्र की महिमा को तो देखिए कि शिव सुख नारद भी जिनका ध्यान में दर्शन नहीं कर पाते हैं, वही प्रभु दिन रात अकिंचन भक्तों के साथ विहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन? गौरांग महाप्रभु। बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जो भगवान जिनका दर्शन दुर्लभ है, किसके लिए? भगवान शिव के लिए, सुखदेव जी, नारद जी के लिए हैं, वो भगवान गौरांग इस धरती पर सबको दर्शन दे रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं नवद्वीप में अकिंचन गिर। तो करें कि किसके साथ भ्रमण कर रहे हैं बताइए? अकिंचन भक्तों के साथ। अकिंचन बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ना? किस प्रकार के भक्तों के साथ भ्रमण कर रहे हैं? अकिंचन। अकिंचन का अर्थ क्या है? जिसका कोई सहारा नहीं, बेसहारा है, जो कोई सहारा ना हो, वैसे भक्त कौन? जिसका कोई सहारा नहीं, वो भक्त। कोई संबल नहीं, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं उनको, है ना? आज गिर जाए तो कोई उठाने वाला नहीं, ऐसे भक्त। नमो किंचन वित्ताय, है ना? जिनका कोई नहीं, उनका कौन है? भगवान। अकिंचन वित्ताय, वित्त, वित्त मतलब धन, अकिंचन मतलब जिसके पास कोई कुछ नहीं है, जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, है ना? कौन है वो जिसके पास कुछ नहीं है? कौन बताइए? जैसे मैं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सर्वमंगल गौर प्रभु हैं, वैसे मोबाइल है है ना? चलो प्रभुपाद जी थे महान संत, सब सब कुछ डिस्कनेक्ट। तो क्या किस पे निर्भर हो जाते? भगवान पे, भगवान पे, उनके वही सहारा है, है ना? सही बोल रहा हूँ मैं सरंगल गर्पू? व्हाट इज योर ओपिनियन? सही। चलो एटलीस्ट आई हैव वन सपोर्ट, है ना? आप गवाही देना कि मैं भी साथ में था। फ्यूचर में पूछा जाएगा अगर कि आप गलत बोल रहे थे तो देंगे साथ में? कुंती महारानी की प्रार्थना हमारा इस बात का प्रमाण है। कुंती देवी प्रार्थना करती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय, हे भगवान आप जो है गरीबों के धन हैं। कौन गरीब? वो गरीब नहीं जो अपनी मेंटेलिटी के कारण गरीब हो गए, वो गरीब जो वॉलंटरीली गरीब हो गए, उनके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन फिर भी वो क्या कर दिए? गरीब त्याग दिए। आशोष जी हैं, सब कुछ होते हुए भी क्या है? गरीब महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वॉलंटरीली गरीब हो गए। क्यों? सब कुछ अर्पित कर दिया किसके ऊपर? भगवान का। मानस देहो गे हो जे किछु मोर, अर्पिलु तू आप दे नंद किशोर। हे नंद किशोर, नंद किशोर, नंद किशोर मतलब कौन?
भगवान कृष्ण है नंद किशोर। मैंने अपना मन शरीर और परिवार गे मतलब घर है ना, तीनों क्या कर दिया आपके चरणों में अर्पित कर दिया समर्पण। अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर, संपदे विपदे जीवने मराने, चाहे संपत्ति हो या विपत्ति है, दोनों स्थिति में, चाहे जीवन हो या मृत्यु, जीवन के समय या मृत्यु के समय, दोनों दाय मम गेला तुआ ओ पद वरने, हर स्थिति में मैं आपके चरणों को पकड़ लूँगा, ऐसे पकड़ लूँगा, संपत्ति या विपत्ति। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हा, कि चाहे अब हमारा जीवन किसके हाथ में, आपके हाथ में है, चाहे आप मारिए मुझे या मेरी रक्षा कीजिए, आपके ऊपर है, आप कैसे रखना चाहते हैं, आपके हाथ में मेरा लाइफ, चाहे तो मार दीजिए चाहे तो जीवित रखिए। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआय अधिकार। भगवान से भक्त बोलता है क्या, कि अब आप चाहे, आपको पूरा राइट देता हूँ मैं, अधिकार देता हूँ, आप पूरा फुल राइट आपके पास है, किस चीज़ का राइट दे रहे हो मेरे को बताओ, बोलो क्या किया जाए तेरे साथ, क्या क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो भक्त क्या बोल रहा है, चाहे आप चाहे तो मार सकते हैं मेरे को, चाहे तो आप रक्षा कर सकते हैं, जिसमें आपको सुख मिले, जिसमें आपको आनंद मिले वो काम कीजिए, आप मैं आपका दास हूँ, मुझ पर आपका पूरा अधिकार है ना। तो ये कहते हैं भक्त, आश्लिष सेवा पादरताम पिनष्टुमाम, चाहे तो आप मुझे क्या करें, गले लगाइए, आलिंगन कीजिए, हे भगवान, या अपने पैरों के नीचे कुचलिए मुझे, या ठोकर मारिए फुटबॉल की तरह, हट उधर हट जा, यथा तथा अदर्शनात् मर्महताम करो तुआ, मतलब बताइए, हाँ इसलिए आपकी यह हालत हो गई है, आप समझ गए इस बात को, इसलिए नहीं समझना चाहिए था आपको, फंस गए आप। रास्ते का भिखारी बना दिया भगवान ने आपको, देखिए बना दिया ना, चोर, भगवान क्या है, चोर है, चोर सर, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, क्या है, चोर है, इसलिए उनका नाम क्या है, चोर, माखन चोर, है ना, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, है इसमें सॉन्ग, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, और कोई साधारण चोर नहीं है, फेमस चोर,
तीनों लोग जानता है क्या चोर भगवान फेमस थीफ क्या बात कर रहे हैं जरूर होगा ना फेमस सब नहीं है है ब्रजे प्रसिद्धम है ना बहुत है ना बोला तो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम श्री राधिकायां हृदयस्य चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुल चौरम और क्या चुराया गोपियों के वस्त्र चुरा लिए जब गोपियां स्नान कर रही थी अपने वस्त्रों को रखकर साइड में तो भगवान ने क्या किया उनके वस्त्र उठाकर पेड़ पे चढ़ गए बोले अब नहीं मिलेगा और क्या चुराते हैं बोलो ये तो कोई भी कर सकता है किसी का वस्त्र चुराना कौन सी बड़ी बात है कोई भी कर सकता है तो भगवान का क्या है कहते कि लेकिन एक काम सब लोग नहीं कर सकते क्या कहते कि ऐसे चोर है जो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम कि अनेक जन्मों से जो व्यक्ति ने पाप अर्जित करके रखा अर्जित मतलब जानते हैं अर्जित मतलब जमा जमा पूंजी जमा पूंजी हम बना करके रखते हैं ना किस चीज़ का जमा पूंजी करके रखते हैं बताइए माता जी बताइए आप अनेक जन्म अर्जित पाप पाप छुपा के अपना जमा करके ऐसे रखते हैं ना हम लोग कहते वो भी चुरा के ले जाते हैं भगवान हमारे सारे पाप कई जन्मों के जो अर्जित करके रखे क्या कर लेते हैं चुरा लेते हैं ये सब नहीं कर सकते ये क्यों कौन कर सकता है चोरी केवल भगवान कर सकते हैं है ना इसलिए उनको कहा गया चौराग्रगण्यम लीडर ऑफ ऑल थीप किंग ऑफ ऑल थीप्स और क्या चुराते हैं देखिए श्री राधिकायां हृदयस्य चौरम नवाम्बुदस्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि कदि श्री राधिका के हृदय को चुरा लिया श्री राधा रानी के हृदय को चुरा के लेके चले गए कहाँ चले गए मोर मन हरी हरी ले गेलो रे अपनो मन गेलो गोकुल तजी मधुपुर बस रे कत अपजस भेलो है राधा रानी कहती है कि मेरा मन जो है वो हरी चुरा कर हर कर लेकर चले गए मोर मन हरी हरी ले गए लोग हरण करके चले गए उनके साथ साथ कौन चला गया मेरा मन भी चला गया मेरा मन चला गया चुरा लेते हैं क्या मन चुरा ले लेंगे फिर क्या करेंगे आप बताइए फिर होते रहिए भगवान फिर होते रहिए बैठ के उद्धव जी जब आए ब्रज में वापस जब भगवान ने भेजा उद्धव जी को तो भगवान उद्धव जी बोले
कि आप लोग ऐसा करो अपने मन को ना, आपको बहुत कृष्ण से विरोध, अपने मन को ना थोड़ा कृष्ण से हटाइए, मन को कहीं और लगाइए, मैं भी टीवी में थोड़ा चला लीजिए या मैं भी थोड़ा फेसबुक पे एक दो फ्रेंड बना लो एक्स्ट्रा। उद्धव जी का सजेशन होगा ऐसा, मे बी, आई डोंट नो। तो गोपियों ने क्या उत्तर दिया, उधो मन न भये दस बीस। बोले हे उधो, अगर दस बीस मन होता तो एक इधर एक इधर एक इधर कर लेते हैं। एक ही मन जो गए श्याम संग, मेरा एक ही मन था, वो मन कहाँ चला गया, श्याम के साथ चला गया। काको अराधो ईसूधो मन न भये दस बीस। बोले अब दूसरा मन अगर बचा हो तब तो मैं भगवान, उस मन से भगवान की आराधना करूं। अब बोल रहे भगवान पे ध्यान लगाओ, तो ये ध्यान तो मन से लगाया था, मन है ही नहीं तो ध्यान कहाँ लगाएंगे, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि नहीं। तो चीज़ हम बता रहे हैं, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, और नवाम बुद्ध श्यामल कांति चौरम। जो भी अच्छी चीज लगती है भगवान क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। जो भी अच्छी चीज लगती है चुरा लेंगे, कैसे चुराएंगे, उनका टेक्निक अलग है चुराई करने का। तो एक दिन वो भगवान ने देखा, किसको देखा, बादल को देखा, बादल का रंग पसंद आ गया उनको, बोल तो चोरी कर लिया उसका रंग। बोले यार ये रंग मेरा फेस, यही मेरा रंग रहेगा, फेवरेट रंग, नवाम बुद्ध श्यामल कांति चौरम। बादल का जो श्यामल रंग है वो चुरा लिया भगवान ने। और कुछ लोगों का तो सब कुछ चुरा लेते हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ते, किसका, कहते कि पदाश्रितानम, चरमोल गौरप्रभु टाइप के आदमी का है ना, गलती से अगर बोल दिया प्रभु मैं आपका हूँ, फिर तो सब छीन लेंगे आपका, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आपके पास। इसलिए कह रहे पदाश्रितानम च समस्त चौरम है, क्या जो आश्रम में आ गए, तो कितना खतरनाक आदमी है, जो आश्रम में आता उसी का सब कुछ चुरा लेता है, चोर बड़ा खतरनाक है, चोर है। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम यह है, अकिंचन, यहाँ भी देखिए शब्द आ गया अकिंचन, जिससे हमारा चर्चा जिस पे चल रहा है, कौन से शब्द पे चर्चा चल रहा है, देखिए यहाँ आ गया ना अकिंचन, अकिंचन कहते कि अकिंचन मतलब जो व्यक्ति असहाय है, असहारा हो जाता है, तो भगवान कहते कि और उनके चरण का शरण ले देता है, मैं आपके चरण शरण लेता हूँ। कहते करोति भिक्षु पथि गेहहीनम, अगर कोई कह दिया कि मैं आपका हूँ और प्रभु आपके चरण में आश्रय लेता हूँ, तो उसको भिखारी बना के छोड़ता है चोर, उसका सब कुछ छीन लेते हैं। क्या क्या छीनते हैं, गेहहीनम, उसको गेहहीनम बना देते हैं, मतलब घर घर है ही नहीं, घरहीन, गृहहीनम मतलब जिसका गृहहीन कर देते, जैसे धनहीन मतलब बिना धन का, बिना घर का, बेघर बना देते हैं उसको, बेघर, उसको उसका सारा बेघर हो गया, मतलब उसको कोई क्लेम नहीं, ये मेरा घर है, क्लेम नहीं कर सकते आप, समझे बात को, गृहहीनम। करोति भिक्षा, और रास्ते का भिखारी बनाते हैं, ऐसे नहीं कि मंदिर का, क्या रास्ते का भिखारी, पथि गेहहीनम। करोति भिक्षु, क्या बना देते हैं, भिक्षु बना देते हैं, किस चीज़ का, रास्ते का, पथि मतलब रास्ता, रास्ते का भिखारी है ना। और गेहहीनम, के नापि अहो भीषण चोरिद्री, क्या कहूँ मैं, इतना भीषण चोर है, इतना भीषण चोर, सोचिए
कौन भिड़ना चाहेगा ऐसे चोर से। अरे चंद्रकांत जी आप सोच लीजिए, अभी भी माता जी भी हैं यहाँ हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लेना चाहिए, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आई एम जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग, पर रियलिटी यही है। अरे बड़ा भीषण चोर है ये, कौन करें, ठाकुर बिल्व मंगल द्वारा लिखा हुआ ये श्री चौराग्रगन ने पुरुषाष्टकम है, ये ठाकुर बिल्व मंगल ने लिखा, लगे आंख से अंधे थे ठाकुर बिल्व मंगल। तो कहते हैं देखिए कि आगे कहते हैं कि ऐसा चोर न कभी सुना था न कभी देखा था हिस्ट्री में, एकमात्र ऐसा चोर है कि जो सरेंडर करता है। भाई सरेंडर में थोड़ा तो दया करना चाहिए ना, कुछ छोड़ देना चाहिए उसके पास हैं। जो सरेंडर नहीं करते हैं उनको ज़्यादा कुछ दे देते हैं, सब ले लो तुम एंजॉय करो लाइफ में, है कि नहीं। जो समर्पण आ गए तो बोले सब कुछ है, एक 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 पैसा अगर बचा रहे वो उधर क्यों बच, क्या बचा के रखा है तारा देवेश, निकाल चल हैं, एक एक फाई निकलवा देंगे आपका सारा। थोड़ा भी अगर पीछे छुपा के रखे होंगे कहीं तो भी निकलवा देंगे, समझ लीजिए। जदीय नामापि, अगर गलती से किसी ने उसका नाम ले लिया, हरे कृष्णा 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 हरे, इतना खतरनाक चोर है। चोर तो आ जाए तो अलग बात है, उसका नाम ही में ही इतना खतरनाक है। कह रहे कि अगर आपने यदि ईय नाम अपि, अगर उसका किसी ने नाम ही अगर ले लिया, आपने देखा कोई ऐसा चोर जिसका नाम लेने से ही कुछ गायब हो जाएगा आपका, ऐसा चोर माता जी आप बताइए, ऐसा चोर आपने सुना है कभी हिस्ट्री में, उसका नाम ले लेने से ही कुछ गायब, सब काफ़ी कुछ गायब कर देता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कह रहे हैं कि अगर उसका कोई नाम भी अगर ले लेता है तो पहाड़ के समान, पहाड़ के समान जो अशेष, अशेष मतलब ख़त्म नहीं होने वाला पाप की जो उसकी राशि है, जैसे कल गायब किया था पहाड़ पाप की राशि, किसको जगाई होना चाहिएगा, केवल नाम भी अगर ले लिया कितना खतरनाक, तो चुरा लेगा आपका पहाड़, इतना जमा करके जो पाप की राशि हमने रखा है वो गायब कर देता है नाम लेने से, क्या ख्याल है ना खतरनाक। पहले नहीं बताया था आपको इसलिए आप फंस गए, अगर पहले बता देता शुरू शुरू में बोले प्रभु जी नहीं चाहिए ये नाम, नहीं चाहिए नाम। आश्चर्य रूपो ननु चौरिद्रिक दृष्ट श्रुतो वा न मया यदीय कदापि, आश्चर्य है ऐसा चोर ना आज तक मैंने देखा न सुना संसार ने। धर्म धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्रणाश हत्वा मम सर्वमेव, हे चोर। अब वार्निंग दे रहे चोर को, क्या दे रहे वार्निंग, चोर तू संभल जा, क्या करें, अरे चोर तू संभल जा, हे चोर मेरा धन मेरा सम्मान मेरी इंद्रियां मेरे प्राण सबको तुमने हर लिया, सबको क्या कर लिया हर लिया, अब हर के कहाँ भागे जा रहे हो, पकड़ में भी नहीं आ रहा है, क्या पकड़ में भी नहीं आ रहा है,
भागे जा रहे हो, सब कुछ छीन के भागे जा रहे हो। कहाँ भागे जा रहे हो, कब तक भागोगे? आज तो तुमको भक्ति रूपी रस्सी से बांध कर, क्या भक्ति रूपी रस्सी से बांध कर पकड़ लूंगा मैं आज, भक्ति रस्सी से बांध दूंगा तुमको। किसने बांधा था? यशोदा ने, बोले अपनी भक्ति रूपी रस्सी से बांध कर छिनत सिघोरम यम पास बंधम। अरे चोर, तू कैसे, चोर बोलता है कोई रस्सी ऐसी नहीं जो मुझे बांध सके, ऐसा मैं जानता हूँ कि कोई ऐसी रस्सी नहीं मिली, यहाँ तक कि यमराज के पास को भी तुम काट देते हो। अगर यमराज किसी को बांध दे तो, किसको बांधा था? अजामिल को, तो तुम कटवा देते हो तो ये सोच के कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना घमंडी हो गए हो, उच्छृंखल चोर। पर एक रस्सी है मेरे पास जिसे बांधूंगा तो तुम नहीं काट पाओगे, वो मेरे को पता है। कौन सी रस्सी? भक्ति प्रेम। छिनत सि घोरम जस पाप बंधम भिनत सि भीमम भव पास बंधम। भव बंधन को भी काट देता है चोर, हमारे भव बंधन को काट देगा, पाप बंधन यमराज के पास को, यमराज के बंध को काट देता है, इतना खतरनाक चोर है। सोचिए यमराज के बंधन को काटने वाला आदमी को कैसे बांध के रखेंगे, इतना खतरनाक चोर, इसको आप पकड़ना चाहे बांधना चाहे तो भी नहीं बांध सकते। छिनत सि सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। तुम सब तो तोड़ सकते हो, यमराज के पास को काट सकते हो, भव बंधन को काट सकते हो, सारे बंधनों को काट देते हो, लेकिन एक बंधन मुझे पता है तुम नहीं काट पाओगे। कौन सा? भक्ति का बंधन, प्रेम बंधन। तुम्हारी वीकनेस हमें पता है, अरे तुम्हारी कमजोरी हमें पता है। क्या? भक्त कृतम तो बंधम, भक्त के द्वारा जो बंधन बांध दिया था उसको तुम नहीं खोल पाते, हमने सुना है यशोदा ने बांधा था। तो हर दंड क्या होगा? बंद बंद जेल में बंद कर देंगे तुमको। कहाँ पे बंद करेंगे? अंधेर कोठरी। तो अंधेर कोठरी कौन सी है? मेरा गंदा हृदय, वही रहना पड़ेगा तेरे को। ये तुम्हारे लिए क्या है? सजा। तामस, मनमान से तामस राशि घोरे कारागृहे दुखमय निबद्ध। मेरा मन अंधकार है, तमस है, तमोगुण से भरा हुआ है। क्या है? तमोगुण से भरा हुआ है, उसी में बंद रहना पड़ेगा। समझे? ये क्या है? दंड है चोर के लिए, उसी हृदय में रखूंगा, रहना पड़ेगा। कारागृहे दुखमय निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचर्य दोषो चित्तमेव दंडे। अतः अपनी चोरी रूपी दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक मेरे हृदय रूपी अंधेरे में बैठ के तुमको सहना पड़ेगा। मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, बदला लेकर रहेंगे मेरी भक्ति रूपी पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूपी कारागार में सदैव निवास करते रहो।
क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूपी कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। बेला मंगल ठाकुर कह रहे हैं। तो किंचन कैसा? अकिंचन, भगवान चुरा लेते हैं, जिस पे कृपा होती है उसका सब कुछ चुरा लेते हैं। यस्याह मनोगृहणामि हरि से तदनम सनई, ये थोड़ा होपफुल लास्ट में डाल दिया, लास्ट वाला वर्ड डाल दिया, थोड़ा अच्छा किया है ना। क्या कौन सा? सनई लास्ट में डाल दिया, तो जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं। लेकिन फिर लास्ट में एक शब्द जोड़ दिया, सनई मतलब धीरे धीरे। क्योंकि अचानक छीनेंगे तो क्या होगा, झटका लग जाएगा ना, इसलिए धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली। कृपा चाहिए भगवान का। इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, है ना, अपने शिष्यों के साथ, सन्यासी शिष्य थे। तो जनरली कोई संत को, महात्मा को लोग देखते तो बोलते थोड़ा चर पैर छू लेते हैं ना, बोलते हैं थोड़ा कृपा दे दीजिए महात्मा जी, आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, फिर दोबारा आए, महात्मा जी आपने कुछ बोला नहीं, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए ना। तो प्रभुपाद फिर कुछ नहीं बोले। फिर तीसरी बार आए, आदमी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए चरण से। प्रभुपाद बोले, डू यू रियली वांट माय ब्लेसिंग, डू यू रियली वांट माय ब्लेसिंग, मेरा आशीर्वाद सही में चाहिए आपको? बोले हाँ हाँ महात्मा जी, आप तब से बोल नहीं रहे थे। बोले ये देखिए, सारे मेरे सन्यासी शिष्य हैं ना, अब मैं आपको आशीर्वाद दे देंगे तो इनके बीच में आके आप 5 दिन बाद बैठे मिलेंगे। सो आर यू ओके विद दैट? ओ महात्मा, थोड़ी देर बाद आता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ी देर अगली बार मिलेंगे तो दे दीजिएगा, अभी रुक जाइए। है ना, तो ब्लेसिंग जब भगवान की वास्तव में मिलती है तो क्या आता है? वैराग्य आ जाएगा। वैराग्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, वैराग्यम परमम सुखम। सबसे बड़ा दुख क्या है? आशा। आशा मुंडम पलितम अंगम गलितम, अंगम गलितम मुंडम पलितम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो वापि गृहत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कहते कि अंग गल गया, अंग गल गया और मुंडम पलितम मतलब नेचुरल ब्रह्मचारी हो जाता है आदमी बुढ़ापे में, है ना, एक एक करके पहले 25% गायब होता है, फिर 50% गायब होता है, फिर 75 और फिर पीछे थोड़ा बच जाते हैं, फिर बुढ़ापे होते 100% हैं मुंडम पलितम नेचुरल। कई लोग पूछते हैं, आप लोग हेड से सारा बाल उल हटा के क्यों रहते हैं, सारा संसार हेयर स्टाइल बना रहा है ना, तो हम लोग पहले से तैयारी रखते हैं ना झड़ने से, पता इसलिए पता नहीं चलेगा कब हमारा झड़ गया, है ना, तो शौक नहीं लगता हम लोगों को क्योंकि पहले से ही गायब रहता है। इसलिए ब्रह्मचारी, प्रभु जी आप इतने उम्र हो गई अभी भी आप वैसे ही लगते हैं। अरे जिससे पता चलता है कि उम्र कम हुआ वो वही हटा दिया, हेयर स्टाइल से ही तो पता चलता है ना, है हेड से अगर ऐसे पके बाल पकते हैं या थोड़ा बाल उड़ते हैं तो देखने से लगता है कि व्यक्ति थोड़ा बूढ़ा हो रहा है कि नहीं। सो लाइक दैट,
लावण्यम केश धारणम, कलयुग में बताया गया है कि कलयुग का लक्षण है क्या आप जानते हैं कि सुंदरता जो है वो डिसाइड होगा कि किसके हेयर स्टाइल पे डिपेंड हो जाएगा। कलयुग में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ब्यूटी विल बी डिसाइडेड ऑन हेयर स्टाइल, लावण्यम केश धारणम, है ना। श्रीमद् भागवत में पहले से पता था कि इतने सारे ब्यूटी सैलून खुलेंगे, पहले से एडवांस में लोग जानते थे क्या इतने सारे ब्यूटी सैलून खुलेंगे। तो सबका सब गायब है ना, उड़ जाता है। मुंडम पलितम दसन विहीनम, और दांत ऊपर नीचे दोनों के गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। मेरा भी धीरे धीरे हो रहा है। दसन विहीनम जातम तुंडम, दोनों टीम आउट हो जाएगी। ऊपर की भी 16, इस टीम में 16 मेंबर हैं, नीचे के भी 16, है ना, ऑल आउट है। और दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो आपि गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापा में व्यक्ति क्या पकड़ लेता है, ये दो पैर से काम नहीं चलता, थर्ड चाहिए, थर्ड सपोर्ट। तदपि न मुंचती आशा, उसके बावजूद ये स्थिति हो जाने के बावजूद व्यक्ति की आशा नहीं जाती है। आशा, ये आशा ही जो है दुख का कारण है। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु दिन रात अपने अकिंचन भक्तों के साथ क्या करते हैं, विहार कर रहे हैं। अकिंचन, अकिंचन भक्त साथ विहार कर रहे हैं। इस प्रकार से नवद्वीप में विश्वंभर राय ने अनंत अचिंत्य लीलाओं को प्रकाशित किया है। अनंत लीला और अचिंत्य लीला, भगवान की लीलाएं क्या हैं, अनंत हैं, जिनका अंत नहीं है। और दूसरा क्या, अचिंत्य। अचिंत्य मतलब समझना कठिन है, हमारी बुद्धि में फिट नहीं होती है जल्दी, अचिंत्य बोलते हैं। ऐसी लीलाएं भगवान ने की, इतने सारे प्रकाश होने पर भी कोई उन्हें उसी प्रकार नहीं जान पाया जिस प्रकार मछली सागर में प्रतिबिंबित चंद्रमा को नहीं जान पाती। चैतन्य के कृपा प्राप्त जगाई मधाई दोनों परम धार्मिक के रूप में नदिया में रहने लगे। पहले तो परम बदमाश थे, अब क्या हो गए, परम धार्मिक, परम धार्मिक रूप में नदिया में रहने लगे। उषा काल में निर्जन में गंगा स्नान के उपरांत, उषा काल मतलब सुबह, कोई बात नहीं, गलती होता है, कोई बात नहीं, बोलना चाहिए, दोबारा नहीं होगा। उषा काल में गंगा स्नान के उपरांत, गंगा स्नान करते थे उसके बाद दोनों प्रतिदिन 200,000 कृष्ण नाम जप करते थे, 128 माला डेली। और दोनों हर क्षण अपने आप को धिक्कारते थे, क्या करते थे, धिक्कारते थे, घमंड नहीं किया 128 माला कर रहा हूँ, धिक्कारते थे, किस बात के लिए, हमने इसलिए धिक्कारते थे। और निरंतर कृष्ण कहकर क्रंदन करते थे, क्यों, उन दोनों को परम उदार कृष्ण रस का आस्वादन मिला था और वे दोनों संसारी संसार को कृष्ण प्रिय रूप में देखने लगे। पहले की गई हिंसा का स्मरण करके वे दोनों क्रंदन करते हुए भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ते थे कि हमने इतने पाप कर दिए पहले, उसको याद करके। आपने सही बताया, देखिए मैच हो गया, तो आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है वृंदावन दास ठाकुर से, है ना जी। लेट्स गो। तो मूर्छित होकर गिर पड़ते थे धरती पर पाप का स्मरण करके, कहते थे अरे
हमारे स्वामी पतित पावन हैं गौरचंद्र। इस प्रकार स्मरण करके वे बारंबार क्रंदन करते थे। कृष्ण आनंद में दोनों को आहार तक की चिंता नहीं रह गई थी कि भोजन मिला कि नहीं मिला, इसकी भी चिंता नहीं थी। दोनों चैतन्य कृपा का स्मरण करके निरंतर आंसू बहाते रहते थे दोनों, है ना। और सारे गण जो हैं सर्वगण सहित ठाकुर विश्वंभर उन दोनों के लिए निरंतर अनुग्रह और आश्वासन प्रदान करते रहते थे। भगवान रोज मिलते थे उनसे डेली और उनको इंस्पायर करते थे, मोटिवेट है, नहीं नहीं आप लोग कुछ चिंता मत करो, आप बहुत अच्छे हो गए हो, पहले जो किया भूल जाओ, अब तो मैं नहीं आपको कृपा दे दिया, आप लोग रो मत। प्रभु अपने आप आकर दोनों को भोजन करवाते थे, वो खाते नहीं थे, माला करते रहते थे, रोते रहते थे, तो भगवान स्वयं आकर चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उनको भोजन करा के ही जाते थे। फिर भी दोनों के हृदय में चैन नहीं आता था। विशेष रूप से विप्र मधाई बारंबार क्रंदन करते थे, ज्यादा करते थे मधाई, क्यों? हाँ उन्होंने मारा था ना नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि उन्हें यह स्मरण आता रहता था कि उन्होंने नित्यानंद पर आक्रमण किया था। देखिए ठीक बताया उन्हें, फिर देखिए आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है विधानदास ठाकुर जी के, है ना। यद्यपि नित्यानंद ने उनके सभी अपराध क्षमा कर दिए थे, फिर भी मधाई को चैन नहीं आता था। नित्यानंद के श्री अंग से मैंने रक्त बहाया है, नित्यानंद के श्री अंग से मैंने रक्त बहाया है, इस बात को दोहराते हुए वे निरंतर दुखी रहते थे। जिस शरीर में श्री चैतन्य चंद्र विहार करते हैं उसी शरीर पर मुझ पापी ने प्रहार किया है, इस बात को स्मरण करके मधाई मूर्छित हो जाते और दिन रात केवल रोते रहते थे। इसको कहते हैं पश्चाताप, है ना, क्या पश्चाताप। अन्य किसी विषय के बारे में वे सोच ही नहीं पाते थे। नित्यानंद महाप्रभु बालक के आवेश में दिन रात आनंद पूर्वक नदिया में भ्रमण करते थे। आइए प्रभु जी आइए, सहज परम आनंद स्वरूप नित्यानंद राय अभिमान रहित होकर नगर में सभी स्थानों पर घूमते रहते थे। हरे कृष्ण, ठीक है। तो एक दिन नित्यानंद जी एकांत में पाकर मधाई, नित्यानंद जी को एकांत में पाकर मधाई उनके चरणों में गिर पड़े और अपने प्रेम जल से उन्होंने प्रभु के चरण धोए, आंखों के अश्रु से चरण धोए नित्यानंद प्रभु के, और दांतों में तिनका लगाकर दैन्य पूर्वक विनम्रता पूर्वक प्रभु का स्तवन करने लगे। क्या कर रहे हैं? स्तवन। तुमी से अनंत मुख कृष्ण गुण गावो, सर्वधर्म श्रेष्ठ भक्ति तुमी से बुझाओ, तुमार से गुण गाए ठाकुर नारद, तुमार से जत किछु चैतन्य संपद, तुमार से कालिंदी भेदन कारी नाम, तुमा से विजनक पैल दिव्य ज्ञान, सर्वधर्ममय तुमि पुरुष पुराण, तुमारे से वेदे बोली आदि देव नाम, तुमी से
जगत पिता महाजोगेश्वर तुमि से लक्ष्मण चंद्र महाधनुर्धर तुमि से पाखंड छाय रसिक आचार्य तुमि से जानह चैतन्य सर्वकार्य तुमार सेविया पूज्य अइला महामाया अनंत ब्रह्मांडे चाहे तुम पद छाया तुमि चैतन्य भक्त तुमि महाभक्ति जत किछु चैतन्य तुमि सर्वशक्ति तुमि सैया तुमि खट्टा तुमि से शयन तुमि चैतन्य छत्र तुमि प्राण धन तुमा बही कृष्णर द्वितीय नाही आर तुमि सगौर चंद्रेर सकल परिवार तुमि से करह प्रभु पति तेर त्राण तुमि से संहार सर्व पाखंडीर प्राण तुमि से करह सर्व वैष्णवेर रक्षा तुमि से वैष्णव धर्म करह जे शिक्षा तुमार कृपाय सृष्टि करे आज देवे तुमार से रेवती वरुणी कांति सेवे तुमर से क्रोधे महा रुद्रयवतार से द्वारे कर सर्व सृष्टिर संहार शंकर षणात्मक रुद्र निष्क्रम्याति जगत्त्रयं सकल करिया तुमि किछु नाही कर अनंत ब्रह्मांड नाथ तुमि बक्षे धरम परम कोमल सुख विग्रह तुमार जे विग्रहे करे कृष्ण शयन बिहार न श्री अंगे मुनि करिनु प्रहार मो अधिक दारुण पतकी नाही हार पार्वती प्रभृति नव बुध नारी लैया ए अंग पूजय शिव जीवन भरिया ए अंग स्मरण सर्व बंध विमोचन हे नयांगे रक्त पड़े अमार कारण चित्र के तू महाराज जे अंग सेविया सुखे बिहरए वैष्णव वग्र गण्य हैया अनंत ब्रह्मांड करे ए अंग स्मरण हे नयांग मुई पापी करिनु लंघन जे अंग सेविया सौना कादिरिषिगण पाइला नै मेषारण्य बंध विमोचन
अंगलंघिया इंद्र जीत गेला छाय, ए अंगलंघिया द्वीवी रेरनाशाय, ए अंगलंघिया जरासंध नाश गेला, आर मोर कुशल नाही से अंगलंघिलम, लंघने रखी दाय जहार अपमाने, कृष्ण रस्याल करुक्मी त्यजिल जीवने, दीर्घ आयु ब्रह्मा सम पाइयाओ सुत, तुमा देखि न उठिलो हैल भस्मी भूत, हर अपमान करी राजा दुर्योधन, सर्वसेते प्राण गेल नहीं लरक्षण, दैव योगे छिल तहां महाभक्तगण, तारा सब जानिले न तुमार कारण, कुंती भीम युधिष्ठिर विदुर अर्जुन, ता सबार वाक्य पूर पाइले न पूर, यार अपमान मात्र जीवने रनास, मुई दारुणे रकुन लोक हवे वास, बोलिते बोलिते प्रेमे भाषे माधाय, बक्षे दिया श्री चरण पड़िला तथाई, जे चरण धरी लेना जाई कभुनाश, पतिते त्राण लागी जहार प्रकाश, शरणागते रे बाप कर परित्राण, माधाईर तुमी से जीवन धन प्राण, जय 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 पद्मावती रानंद, जय जय नित्यानंद सर्व वैष्णवे रधान, जय जय अकरोध परमानंद राय, शरणागते र दोष क्षमिते जुआय, दरुण चंडाल मुई कृतघ्न गोखर, सबय अपराध प्रभु मोरे क्षमा कर। तो ये क्या है, मधाई की प्रार्थना, मधाई स्तुति, नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, मधाई, बहुत सुंदर स्तुति, इसका अर्थ सुनना चाहेंगे आप लोग? सुनिए, हे प्रभु, आप ही विष्णु रूप से सबका पालन करते हैं, आप ही फण पर अनंत भुवनों को धारण करते हैं, हे प्रभु, आपका श्री अंग भक्ति का स्वरूप है, पार्वती और शंकर मन ही मन आपका चिंतन करते रहते हैं, यह भक्ति योग आपका ही है और आप ही उसे दान करते रहते हैं, आपके अतिरिक्त चैतन्य का और कोई प्रिय नहीं है, आपकी कृपा से महाबली गरुड़ लीलापूर्वक महा आनंद के साथ कृष्ण को धारण करते हैं, कृष्ण को बहन करते हैं ना, ढोते हैं गरुड़ जी, किसी कृपा से, नित्यानंद आप अनंत मुखों से कृष्ण के गुणों का गान कीर्तन करते रहते हैं, आप ही समझाते हैं कि भक्ति सर्व धर्मों में श्रेष्ठ है,
ठाकुर नारद आपका ही गुण गाते रहते हैं, चैतन्य ही आपकी सब कुछ संपदा है, कालिंदी भेदनकारी आपका ही नाम है, कालिंदी भेदनकारी हल से जमुना को खींच लिए थे, याद है कैसे? हाँ, रामघाट पे, वृंदावन में एक स्थान है रामघाट, गए हैं रामघाट, रामघाट नामक स्थान है, वहाँ पे बलराम जी रासलीला कर रहे थे तो उनको थक गए सब लोग, सोचे गंगा जमुना जी में स्नान करेंगे, तो बलराम जी ने जमुना जी को बुलाया, इधर आ जाओ, दूर थी बह रही थी, जमुना जी नहीं आई, तो बलराम जी ने अपना हल उठाया ऐसे, जमुना जी को खींच के एकदम रामघाट पे लेके आ गए, जहाँ पे नाच रहे थे, पूरी नदी को ही खींच के लेके आ गए, इसलिए आज भी जमुना जी वहाँ पे से टेढ़ी हैं उस स्थान पे। मैप में आप देखेंगे ना जमुना जी, तो उस रामघाट पे से किसी ने खींचा है, तो वहाँ पे हेंचा दाऊ जी का आज मंदिर है, हेंचा दाऊ जी तो खींचे थे, तो जमुना जी त्राही त्राही करने लगी है ना, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए गलती हो गया, आपकी सेवा से ही जनक को दिव्य ज्ञान मिला था, आप सर्वधर्म में पुराण पुरुष हैं, आपको ही वेद आदि देव नाम से संबोधित किया करते हैं, जगत पिता महायोगेश्वर आप ही हैं, कौन नित्यानंद प्रभु, आप ही महाधनुर्धारी लक्ष्मण चंद्र हैं, आप ही पाखंडियों का नाश करने वाले रसिक आचार्य हैं, चैतन्य के सभी कार्यों के बारे में केवल आपको ही सब कुछ पता है, आपकी सेवा से ही महामाया पूजनिया बनी है, अनंत ब्रह्मांड आपकी पद छाया की कामना किया करते हैं, प्रभु आप चैतन्य के भक्त हैं, आप स्वयं महाभक्ति हैं, आप ही चैतन्य के सब कुछ हैं, आप सर्वशक्ति के आधार हैं, आप ही चैतन्य की खाट और सैया है, बेड, भगवान बलराम बेड बनते हैं भगवान के लिए, छत्र बेड, आप ही सिंहासन हैं, आप ही शयन और आप ही छत्र हैं, तथा आप ही उनके प्राण धन हैं, आपके अतिरिक्त कृष्ण का दूसरा और कोई नहीं है, आप गौरचंद्र के सभी अवतार हैं, हे प्रभु आप ही पतितों का उद्धार करने वाले हैं, आप ही सभी पाखंडियों के प्राणों का संहार करने वाले हैं, आप ही सभी वैष्णवों की रक्षा करते हैं, आप ही वैष्णव धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं, आपकी कृपा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, रेवती वारुणी कांति आपकी ही सेवा किया करती हैं, क्रोधित होकर आप ही महारुद्र रूप से अवतार धारण करते हैं और उस रूप से सारी सृष्टि का संहार करते हैं, रुद्र महारुद्र सब कुछ करते हुए भी आप कुछ नहीं करते, अनंत ब्रह्मांड नाथ को आप अपने वक्ष पर धारण करते हैं, आपका सुख विग्रह परम कोमल है, उस विग्रह पर कृष्ण शयन विहार करते हैं, मैंने उसी श्री अंग पर प्रहार किया, किस पर, जिस पर भगवान विश्राम करते हैं, मुझसे बढ़कर दारुणी पापी कोई नहीं है, पार्वती आदि 9 अर्बुद नारियों के साथ शिव जीवन भर आपके श्री अंग की पूजन करते रहते हैं, कितनी नारी, 9 अर्बुद, अर्बुद जानते कितने बोलते हैं, अरब, 9 अरब, पार्वती की कितनी सखियां हैं, 9 अरब दासियां पार्वती की, 9 अरब माता पार्वती, सोचिए मेड ही 9 अरब है, कैलाश लोक में है 7.5 अरब तो पॉपुलेशन है धरती का, करेंगे पार्वती भगवान शिव पार्वती आदि 9 अर्बुद नारियों के साथ शिव जीवन भर नित्यानंद प्रभु के श्री अंग का पूजन करते हैं, पूजा करते हैं शिव जी,
इन्हीं का नाम लेते हैं ना, राम राम राम। जिस अंग के स्मरण से सारे बंधन छूट जाते हैं, जिस अंग के स्मरण से सारे बंधन छूट जाते हैं, मेरे कारण उसी अंग से रक्त बह रहा है। जिस अंग पे मेडिटेट करके लोग अपने भव बंधन नष्ट करते, मैंने उसी अंग को क्या कर दिया, रक्त बहा दिया उसी अंग से। वेरी डीप रियलाइजेशन। जिस अंग की सेवा करके चित्रकेतु महाराज वैष्णव में अग्रगण्य होकर सुख से विहार करते हैं, अनंत ब्रह्मांड जिस अंग का स्मरण करते हैं, मुझ पापी ने उसी अंग का अतिक्रमण किया है। जिस अंग का सेवन करके सौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण में बंधन से मुक्त हुए हैं, जिस अंग का अतिक्रमण करने के कारण मेघनाद विनाश को प्राप्त हुआ, जिस अंग का अनादर करने से द्विविध का नाश हुआ, जिस अंग का अनादर करने से जरासंध विनष्ट हुआ, मैंने उसी अंग का अतिक्रमण किया है, पर मेरे को कल्याण हो गया, मेरे को नाश नहीं किया आपने, है ना। मेरा कुशल मंगल होने का रास्ता बंद हो गया है प्रभु, अतिक्रमण की बात तो दूर, जिनका अपमान करने के कारण कृष्ण के साले रुक्मी को जीवन त्यागना पड़ा था। रुक्मी के किसने मारा था, रुक्मिणी की देवी की जो भाई थे रुक्मी, किसने मारा था, बलराम जी नहीं मारा, पहले तो बचाया जब कृष्ण मार रहे थे, तो नहीं कृष्ण मार रहे थे तो रोक दिया बलराम जी, नहीं हिम्मत मारो, रिलेटिव है, अब रिलेटिव हो गया है ना। बाद में जब अनिरुद्ध के पुत्र है ना, हैं अनिरुद्ध की शादी थी, अनिरुद्ध की शादी तो उषा से हुई थी ना, तो विवाह हुआ। अच्छा, तो रुक्मी की बेटी से है ना, पुत्र की पुत्री से है ना, रुक्मी के बेटे की बेटी से है ना विवाह हो रहा था, किसके, श्री कृष्ण के, अनिरुद्ध के, अनिरुद्ध का है ना, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र का विवाह हो रहा था। तो बारात गई थी, बारात गई थी कहाँ, हाँ तो वहाँ पे बारात में फिर रुक्मी और बलराम जी दोनों बैठ के चेस खेलने लगे, शतरंज। क्या खेलने लगे, शतरंज विवाह में होता है ना, रिलेटिव बैठ के खेलते हैं है ना, शतरंज खेलने लगे तो रुक्मी हार गया, बार बार हार रहा था रुक्मी, हार रहा था कि बलराम जी, दाऊ जी चीटिंग से जीत रहे थे, रुक्मी चीटिंग से जीत जा रहा था, चीटिंग कर करके आज चीट, चलो जीत गया तो अलग बात है, वो मतलब गाली भी दे रहा था मजाक में, कैसे सीरियसली गाली दे रहा होगा मुझे लगता है कि तुम ग्वाले हो, तुमको क्या खेलने आएगा ये सब, तुम बिना मतलब का राजा बन गए, ऐसे बोल रहा था। तो बलराम जी को गुस्सा आया, वहीं एक कदम मारे उसको ऑन द स्पॉट डेथ शादी में ही, वहीं मुठा एक गदा मारे उसको, एक गदा धड़ा वहीं मर गया, मतलब इतने गुस्से वाले आदमी है ना, कि थोड़ा अपमान क्या कर दिया कुछ शब्दों में। और वही अभी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, बधाई बोल रहे, मैंने आपको पत्थर से मारा लेकिन आपने मेरे को कुछ नहीं किया, उल्टे मेरे को अपना लिया, ये बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अतिक्रमण करने की तो बात दूर, जिनका अपमान करने के कारण कृष्ण के साला रुक्मी को जीवन त्यागना पड़ा था। और सुत रोमहर्षण सुत ने ब्रह्मा के समान लंबी आयु प्राप्त की थी, उसको वरदान था, किसको, रोमहर्षण सुत जो थे उनको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, लंबी ब्रह्मा जी से लंबी आयु थी उसकी। और नैमिषारण्य में गए जब बलराम जी तीर्थयात्रा करते जा रहे थे, तो नैमिषारण्य में वो प्रवचन बैठकर व्यास आसन पे प्रवचन दे रहे थे, और ऋषि मुनि बैठे थे, और बलराम जी वहाँ पहुँच गए, सब लोग खड़े होकर सम्मान किए, लेकिन रोमहर्षण सुत खड़े नहीं हुए, बैठे रह गए। केवल इतनी सी बात थी, क्या क्या खड़े नहीं हुए उठकर बलराम जी को देखकर, हैं
परंतु आपको देखकर सम्मान पूर्वक खड़े उठकर खड़े न होने के कारण उन्हें भस्मीभूत होना पड़ा। वहीं पे एक कुश का घास वहीं पे वहीं से उठाया, कुश का घास पड़ा हुआ था बगल में, उसको उठाया और वहीं से ऐसे घास से ही मार दिया, घास से चला के ऐसे वहीं व्यास आसन पर ही ऑन द स्पॉट मर्डर। मतलब इतने गुस्से वाले आदमी हैं, मधाई बोल रहा है कि आप इतने गुस्से वाले आदमी हैं लेकिन मेरे ऊपर इतना आपने दया किया, इतना सहन, कितना सहन किया होगा है? सहन करने वाला आदमी अगर सहन कर ले तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मारपीट करने वाला आदमी अगर सहन कर ले तो बहुत बड़ा धैर्य की पहचान है कि नहीं, वही बता रहे। जिनका अपमान करने के कारण राजा दुर्योधन को अपने वंश सहित प्राण गंवाने पड़े थे, वह बच नहीं पाया था। दुर्योधन की एक बेटी थी, है ना, सही बोल रहा हूँ, लक्ष्मणा, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा। तो यदुवंश के कौन थे वो? सांब। सांब थे, किसके पुत्र थे? जाम्बवती के, जाम्बवती के पुत्र, कृष्ण के पत्नी जाम्बवती। हर पत्नी से 10-10 पुत्र थे, 16108 पत्नियां थीं और हर पत्नी से कितने? 10 बेटे और एक बेटी भगवान कृष्ण की। कितनी बेटियां हो गई? 16108 बेटी और बेटे कितने? 1,60,108। इतनी बेटी, इतने बेटे, और फिर हर बेटे का विवाह हुआ सबसे 10-10 बेटे, सबके नाम लिखे हुए हैं, एटलीस्ट प्रिंसिपल 8 क्वींस के बेटों के नाम दिए हुए भागवत में, है ना। आज ही मैं वीडियो देख रहा था, है ना, आपको दिखा रहा था ना गाड़ी में। तो शाम जो थे, तो दुर्योधन की जो बेटी थी उसको अपहरण करके रथ बिठा के किडनैप करके ला रहे थे शादी करने के लिए। क्षत्रियों में ऐसा होता था ना पहले, ये तो कॉमन था ना? तो दुर्योधन को पता चला, उन लोग कुरुवंशियों को तो बहुत गुस्सा आ गया, तो उन्होंने शाम को चारों तरफ से घेर के उसको बंदी बना के बांध के हस्तिनापुर में कैद कर दिया। तो बलराम जी को पता चला, बहुत गुस्सा हुए, बोले हमारे जूठ पे पलने वाले कुरुवंशी आज इतना साहस हो गया इन लोगों को, गए बोले चुपचाप दे दो, है ना, लक्ष्मण सहित दे दो, है ना। तो दुर्योधन सब ने मना कर दिया, नहीं, है ना। तो बलराम जी अपना हल उठाए और ऐसे पूरा हस्तिनापुर को उखाड़ लिया, अपने हल पे पूरा हस्तिनापुर को ही उखाड़ के और ऐसे ऊपर उठा लिया और बोले गंगा जी में फेंक दूंगा, पूरा हस्तिनापुर को उखाड़ के फेंक दूंगा गंगा जी में, जल्दी से दे दो, नहीं तो फेंकने ही वाले थे। लेकिन तब क्या हुआ, उन सबको पता चला कि आप ही के कारण ये सब कुछ हुआ है, किंतु कुंती, भीष्म, युधिष्ठिर, विदुर और अर्जुन इन 5 लोगों ने फिर आके आपसे प्रार्थना किया कि प्रभु शांत हो जाइए, है ना, गलती हो गया लेकिन, है ना, तो फिर ठीक है ठीक है, लेकिन जल्दी से वापस करो, है? तो लेके गए, शादी कराए, है ना, बहुत मतलब बहुत गुस्सा है बलराम जी को, लेकिन है ना, जिनके अपमान मात्र से जीवन का नाश हो जाता है, इस स्थिति में मुझ जैसा महाअहंकारी निर्मम पाखंडी को कौन से लोक में जगह मिलेगी। मैंने तो आपको अपमान की बात तो दूर है, आपके ऊपर प्रहार किया मैंने, रक्त बहाया है, तो कौन से लोक में जगह मिलेगी, मेरे लिए तो ढूंढना भी मुश्किल है कौन सा लोक, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा कहते हुए मधाई प्रेम में विभोर हो गया और फिर प्रभु के श्री चरणों को अपने वक्ष पर धारण करके वहीं गिर पड़ा। जिन चरणों को धारण करने से कभी किसी का विनाश नहीं होता है, पतितों का उद्धार करने के लिए
जिन चरणों का प्रकाश हुआ है हे स्वामी, उन चरणों की शरण में आए हुए मुझ पतित का परित्राण कीजिए। आप ही मधाई के जीवन और धन और प्राण हैं। पद्मावती के नंदन की जय हो, जय हो, जय हो। सभी वैष्णवों के धन स्वरूप नित्यानंद की जय हो। अक्रोध परमानंद राय की जय हो। आपके लिए उचित ही है आप शरणागत के दोषों को क्षमा कर दें। मैं दारुण चंडाल कृतघ्न और मूर्ख हूँ, हे प्रभु आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मधाई कार्ति भरा प्रेम स्तवन सुनकर नित्यानंद राय हंसते हुए बोले, उठो मधाई उठो, तुम मेरे दास हो, तुम्हारे शरीर में मेरा प्रकाश हुआ है। क्या पिता को दुख होता है जब उसका शिशु पुत्र उसे मारता है? नित्यानंद प्रभु क्या बोले, जब उसका बच्चा जब पिता को मारता है तो क्या पिता को दुख होता है? होता है। आप बताइए, आप लोग पिता है, कोई बच्चा एक थप्पड़ मार दे तो थोड़े दुख होता है? नहीं होता। तो नित्यानंद प्रभु देखिए ऐसे बोले, नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य बोले, नाच रे अमर मन, दयाल तो नहीं है। ऐसे दयालु व्यक्ति कौन है? मार खाए प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। मार के भी प्रेम देता है, जब ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? हमने नहीं देखा कि किसी भगवान किसी ने मार दिया फिर भी उसको हैं बोल रहे हैं, तू मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, तूने मुझे मार दिया। कहते मेरे शरीर पर तुमने भी इसी तरह प्रहार किया है जैसे एक बच्चा अपने बाप पर करता है। तुम्हारे स्तवन को जो सुनेगा, कह रहे हैं तुम्हारी स्तुति को जो सुनेगा वह भी मेरा भक्त हो जाएगा। तुम्हारी बात छोड़ो, तुम मेरे प्रभु के कृपा पात्र हो, मेरे प्रति तुम्हारा तिल मात्र भी दोष नहीं है। जो चैतन्य का भजन करता है वह मेरा प्राण स्वरूप है और हर युग में मैं उसका परित्राण करता हूँ। जब कोई चैतन्य का भजन न करके केवल मेरा भजन कीर्तन करता है तब मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे दुख मिलने से वह भी जन्म जन्म में दुख को प्राप्त होता है। इतना कहकर नित्यानंद प्रभु ने प्रसन्नता के साथ मधाई का आलिंगन किया जिससे मधाई का सारा दुख दूर हो गया। मधाई ने फिर एक बार नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़े और कहा, पुनः बोले मधाई धरिया श्री चरण, आर एक प्रभु मोर अच्छे निवेदन। बोले प्रभु एक तो निवेदन हो गया, एक और आपसे निवेदन था, एक और निवेदन। बोले क्या निवेदन और क्या? सर्व जीव हृदय बसह प्रभु तुमी, हे न बहु जीव हिंसा करिया छियामी, करवा करिलू हिंसा कहा नाही चीनी, चीनी ले वाय पराध मागिए अपनी, जस बार स्थाने करिला माय पराध कोन रूप तहा मोरे करिबे प्रसाद, जदि मोरे प्रभु तुमी
हईला सदा इथे उपदेश मोरे कर महाशय प्रभु बोले सुना कहे तुम्हार उपाय गंगा घाट तुम्हें सज कर सनाए सुखे लोक जखन करीबे गंगा स्नान तखन तुम्हारे सबे करीबे कल्याण अपराध भंजनी गंगार सेवा कार्य इहाते अधिक बा तुम्हार कोन भाग्य काकू कुरु सवारे करिह नमस्कार तबे सब अपराध क्षमिब तुम्हार उपदेश पाइया मधाई तत क्षण चलिला प्रभु रे करी बहु प्रदक्षिणा कृष्ण कृष्ण बलिते नयने पड़े जल गंगा घाट सज करी देखे सकल दुख देखी करे बड़ अपूर्व ज्ञान सवारे माधाई करे दंड परणाम ज्ञानी वाय ज्ञाने जत कैलु अपराध सकल छमिया मोरे करह प्रसाद मधाईर क्रंदने कदय सर्वजन आनंदे गोविंद सबे करए स्मरण सुनील सकल लोके निमाई पंडित जगाई माधाई र कैल उत्तम चरित्र सुनिया सकल लोक हईल विस्मित सबे बोले नर नही निमाई पंडित न बुझी निंद जत सकल दुर्जन निमाई पंडित सत्य करे न कीर्तन निमाई पंडित सत्य श्री कृष्ण दास्य नष्ट हईबे जे तारे करीबे परिहास ए दुईर बुद्धि भाल जे करीते पारे देवा ईश्वर की ईश्वर शक्ति धारे प्रकृत मनुष्य नाही निमाई पंडिता एबे से महिमा तान हईला विवित एई मत न दियार लोके कहे कथा आर लोक न मिसाए निंदा हए जथा परम कठोर तप कराए मधाई ब्रह्मचारी हे न ख्याति हईल तथाई निरवधि गंगा देखे थाके गंगा घाटे स्वहस्ते को डाली लैया आपनाई खाटे
अद्यापि हचिन्हाचे चैतन्य कृपा माधाईर घाट बोली सर्वलोके गाए मत कीर्ति कत हईल दोहार चैतन्य प्रसादे दुई दस्युर उधार मध्यखंड कथा जेन अमृते रखंड जहाँ ते उधार दुई परम पाखंड महाप्रभु गौर चंद्र सवार कारण इहा सुनी जार दुख खल से जान चारि वेद गुप्त धन चैतन्य र कथा मन दिया सुन जे करी लय यथा श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद जय चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद जय चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद जय चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल नीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल मधाई ने फिर एक बार नित्यानंद के श्री चरण पकड़े और कहा हे प्रभु बहुत सुंदर संदेश है ध्यान से सुनिएगा है ना ध्यान से हे प्रभु मेरा एक और निवेदन है हे प्रभु आप सभी जीवों के हृदय में विराजमान हैं ऐसे बहुत से जीवों के प्रति मैंने हिंसा की है भगवान के प्रति तो हो गया क्षमा लेकिन बाकी लोगों के प्रति जो कष्ट दिया है उसका क्या होगा अभी तो कर्ज है वही तो उतारना है तो कह रहे हैं उनका क्या होगा वो भी मुझे मालूम नहीं है किन किन के प्रति हिंसा की है वो भी मुझे मालूम नहीं है यदि उन सब की पहचान मिल जाए तो उनके प्रति किए हुए अपराध के लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थना कर सकूं जिन सब के प्रति मैंने अपराध किया है वे कैसे मुझ पर कृपा करेंगे हे प्रभु यदि आप मेरे प्रति दयावान हैं तो इस विषय में मुझे उपदेश दीजिए इसके उत्तर में प्रभु बोले सुनो मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ काउंसलिंग कर रहे हैं तुम गंगा घाट का निर्माण किया करो क्या बोले
कर रहा है सेवा, क्या कर रहे हैं सेवा बता रहे हैं, वैष्णवों का सबका सेवा करो, सेवा करने से ही अपराध नष्ट होते हैं, ये उपाय बता रहे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब लोग आराम से तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस गंगा घाट पर स्नान करेंगे तब सब लोग मिलकर तुम्हें आशीर्वाद दिया करेंगे। गंगा की सेवा करने से अपराध दूर हो जाते हैं, इससे अधिक सौभाग्य तुम्हें और क्या मिल सकता है। विनीत होकर विनम्र भाव से सभी को नमस्कार किया करो, ऐसा करने से वे तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। मातापुर गांव है, मायापुर के बगल में ही मातापुर, वहाँ पे आज भी मधाई घाट है, जो घाट मधाई ने बनाया था अपने हाथ से वो घाट आज भी है। वहाँ परिक्रमा पे हम जाते हैं नवदीप मंडल, तो उसमें रास्ते में आता है मधाई घाट। प्रभु से उपदेश प्राप्त करके मधाई उसी क्षण प्रभु की बहुत सी प्रदक्षिणा करके चल दिए। कृष्ण कृष्ण कहते हुए मधाई की आंखों से अश्रुपात हो रहा था। मधाई गंगा घाट पर गंगा पर घाट बनाने के काम में लगे हुए थे, सभी इसे देख रहे थे। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य सा लग रहा था। मधाई सबको दंडवत प्रणाम करते थे और कहते थे, मैंने जाने अनजाने में जितने भी अपराध किए हैं उन सबको क्षमा करके आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। मधाई का क्रंदन देखकर सारे लोग रोने लगे और आनंद में सभी गोविंद का स्मरण करने लगे। सभी ने यह सुना कि निमाई पंडित ने जगाई मधाई को उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति बना दिया है। इसे सुनकर सारे लोग विस्मित हो गए। सभी कहने लगे, निमाई पंडित मनुष्य नहीं है। क्यों मनुष्य नहीं है? कि मनुष्य इतने बड़े पापी का उद्धार नहीं कर सकता है। निमाई पंडित सचमुच ही कीर्तन करता है, झूठ का कीर्तन नहीं करता। जो लोग पहले बोलते थे झूठ मूठ का कीर्तन करते हैं ये लोग, अब समझ गए सीरियस ले रहे हैं ना, अब लगता है सीरियस है ये लोग, सीरियस कीर्तन ये कीर्तन में पावर है। परंतु दुष्ट लोग बिना समझे ही उनकी निंदा करते हैं, वो लोग सचमुच कीर्तन करते हैं। हम दुष्ट लोग बिना मतलब अफवाह फैला रहे हैं। निमाई पंडित सचमुच श्री कृष्ण के दास हैं। इन दोनों की बुद्धि को जो अच्छा कर सका वो ईश्वर है या ईश्वर का शक्ति को धारण किए हुए है। निमाई पंडित प्राकृत मनुष्य नहीं है, अब आकर उनकी महिमा विदित हुई है। इस प्रकार से नदिया के लोग बातें करते थे। जहां प्रभु की निंदा होती थी वहां लोगों ने अब जाना बंद कर दिया था। मधाई ने परम कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया, इससे वे ब्रह्मचारी के नाम से विख्यात हो गए। माधवानंद ब्रह्मचारी नाम हो गया उनका, माधवानंद और जगदानंद, आप जानते हैं माधवानंद और जगदानंद ब्रह्मचारी। मधाई निरंतर घाट गंगा घाट पर रहते हुए गंगा का दर्शन किया करते थे और अपने हाथों में कुदाल लेकर फावड़ा लेकर स्वयं ही घाट बनाया करते थे। चैतन्य की कृपा से अभी भी इसके चिन्ह स्वरूप लोग एक घाट को मधाई का घाट नाम से जानते हैं। दास ठाकुर लिख रहे हैं अभी भी। इस प्रकार से दोनों ने कितनी ही कीर्ति स्थापित की, चैतन्य की कृपा से ही दोनों दस्युओं का उद्धार हो गया। मध्य खंड की यह कथा अमृत खंड जैसी ही है, जिसमें दो परम पाखंडियों के उद्धार का उल्लेख हुआ है। महाप्रभु गौरचंद्र सबके जनक हैं, यह सुनकर जिसे दुख होता है वह खल है। चैतन्य की कथा चारों वेदों का गुप्त धन है। उन्होंने जहाँ जहाँ जो कुछ भी किया है उसके बारे में आप सब ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन हैं, वे वृंदावन दास उनके जुगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री वृंदावन दास ठाकुर की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की।